इसके अंदर ये किसके ऊपर बेस्ड है? एग्जाम्पल बेस्ड ऑन डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच एंड इम्पैक्ट पैरामीटर। तो हमने क्या फॉर्मूला किया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल हाफ एम बी स्क्वायर थी जो कि पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल थी, तो इनको इक्वेट किया और हमने क्या निकाला, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच जिसका ये फॉर्मूला था। तो आज हमने किया, जिसके अंदर हमने क्या किया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो गोल्ड के लिए जेड ई चार्ज था और अल्फा पार्टिकल के लिए 2E चार्ज था, तो 2E इंटू जेड ई अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो ये फॉर्मूला आप याद कर सकते हैं, और ऐसे इम्पैक्ट पैरामीटर का भी हमने ये फॉर्मूला किया। तो इसके बेस पे जैसे क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा, ये 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। या तो एग्जाम्पल नंबर 1, वॉट इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच जब एनर्जी अल्फा पार्टिकल की 5 MeV और गोल्ड का न्यूक्लियस है। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का सीधा फॉर्मूला हमने किया, अभी ऊपर फॉर्मूला ये लिखा था, 5 MeV को जूल में कैसे कन्वर्ट करना है, 1.6 × 10⁻³⁻¹ जूल में आ गया, और Z की वैल्यू कितनी है, 79। तो सारा कुछ यहाँ वैल्यू पुट करके किसका आ गया, आर नॉट की वैल्यू आ गई। फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम है, ठीक है यहाँ तक। उसी तरीके से इन गीगर मार्जन एक्सपेरिमेंट, वॉट इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, फिर से एक बार, जिसके अंदर 7.7 MeV एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल गिवन है, तो इसके अंदर 7.7 एनर्जी गिवन है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 × 10⁻¹³, तो जूल में आ गया। गोल्ड के लिए जेड 79 है, आर नॉट निकालना है आपको, आर नॉट का सीधा फॉर्मूला, जेड पता है, ई पता है और एनर्जी पता है, सॉल्व करके आंसर, राइट, क्लियर है। थर्ड क्वेश्चन देखना प्लीज, थर्ड क्वेश्चन, तो देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है, बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल जिसकी वेलोसिटी गिवन है और गोल्ड का फॉइल का जेड पता है, फिर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकालना है, इस बार चार्ज टू मास रेशियो भी गिवन है। तो क्या करना है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच में काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि इस बार एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं गिवन, हाफ एम वी स्क्वायर की फॉर्म में गिवन है। तो हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गई थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई इंटू 2E/r नॉट। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके आर नॉट, आपको जेड पता है, ई पता है, वी पता है, और यहाँ पर चार्ज टू मास रेशियो भी पता है, क्योंकि स्पेशली उसने क्या गिवन है, चार्ज टू मास रेशियो भी गिवन है। तो सीधा पुट कर लेना आंसर, क्लियर है यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 4,
एन अल्फा पार्टिकल हैविंग पासिंग थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ गिवन. तो अल्फा, ये अच्छा क्वेश्चन है, अल्फा पार्टिकल है और उसको इतने पोटेंशियल पे हमने रखा, सिल्वर फॉइल पे गिरता है. तो अल्फा पार्टिकल वो वी पोटेंशियल पे रखेंगे तो हमने एनर्जी दी इसका मतलब. तो एटॉमिक नंबर ऑफ सिल्वर गिवन है, जेड गिवन है, काइनेटिक एनर्जी और अल्फा पार्टिकल बताओ क्या थी. तो कितनी एनर्जी दी, वी हमें पता है, अल्फा पार्टिकल पे जो चार्ज होता है ट्वाइस ई प्रोटोन होता है. तो टू ई को किससे मल्टीप्लाई करें, वी से. चार्ज इंटू पोटेंशियल इज एनर्जी. तो ये जो एनर्जी थी यही काइनेटिक एनर्जी है अल्फा पार्टिकल की टोटल. पार्ट नंबर वन क्लियर. सेकेंड पार्ट है, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है अल्फा की, जब उसकी दूरी कितनी है, 5×10⁻¹⁴ मीटर फ्रॉम दी न्यूक्लियस. सोचो कैसे करेंगे. तो इसके अंदर ये इम्पोर्टेंट, अच्छा क्वेश्चन है ये. देखो एक बात बताओ, इसमें टोटल काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल की हमारे पास है, ये रही, ठीक है. वो ये पूछ रहा है, अभी अल्फा पार्टिकल रास्ते में है और उसकी दूरी कितनी है, 5×10⁻¹⁴ मीटर. यहाँ पर इस पॉइंट पर उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ये क्वेश्चन है. एक काम करते हैं, हम इस डिस्टेंस पे इसकी पोटेंशियल निकाल लेते हैं. तो 1/4πε0 47E × 2E/this distance. तो ये क्या आ गई, पोटेंशियल. अब एक बार बताओ कि जैसे जैसे अल्फा पार्टिकल पास आता जा रहा है न्यूक्लियस के, उसकी काइनेटिक किस में कन्वर्ट होती जा रही है, पोटेंशियल. और एंड में जब वो रुक जाएगा, सारी काइनेटिक किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल. पर अभी एट अ डिस्टेंस ऑफ 5×10⁻¹⁴ कितनी पोटेंशियल कन्वर्ट हुई, इतनी. काइनेटिक थी कितनी, इतनी ए पार्ट से. पोटेंशियल अभी कितनी कन्वर्ट हुई, इतनी. तो बची कितनी काइनेटिक, दोनों को माइनस करके ये जो है अभी काइनेटिक इतनी बची हुई है. और यही क्वेश्चन है कि इतने डिस्टेंस पे उसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी है, ये आपको कैलकुलेट करके बतानी है. तो पॉइंट समझ में आ रहा है कैसे सोचना है इसमें. जैसे मैं अल्फा पार्टिकल में चलता हूँ, मेरे पास एनर्जी 100 जूल है, एंड में सारी की सारी पोटेंशियल होने वाली है 100, पर अभी कुछ दूरी पे मेरी जो 100 एनर्जी है काइनेटिक, उसमें से 80 पोटेंशियल है. तो कितनी काइनेटिक है, 100 में से 80 क्या, 20 अभी काइनेटिक है. वही किया मैंने, टोटल निकाल लिया, एक पॉइंट पर पोटेंशियल निकाल ली, तो बची कितनी काइनेटिक, ठीक. इसके अंदर थर्ड पॉइंट है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू विच अल्फा पार्टिकल रीचेज, यानी कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. तो वो तो आपको निकालना आता है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पता है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी टोटल आपको फर्स्ट पार्ट से पता है. ऐसे ही ये करने की जरूरत नहीं है. सिक्स्थ, इंपैक्ट पैरामीटर का सिंपल न्यूमेरिकल है, एनर्जी अल्फा पार्टिकल की दे रहा है, थीटा दे रहा है और गोल्ड न्यूक्लियस दे रहा है. तो इंपैक्ट पैरामीटर पूछ रहा है, सारा वैल्यूज गिवन है इसमें. तो जेड के ई थीटा के सब पता है, यहाँ से आंसर कैन बी कैलकुलेट. बाकी आपका होमवर्क है, इसको होमवर्क मार्क करो अनसॉल्व्ड को.